श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। एक तरफ जहां हरियाणा में इसकी तैयारी थी तो वहीं श्रीलंका में भी तैयारी की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री यहां श्रीलंका के पहुंचे हैं, गीता मनीषी ज्ञानम जी महाराज हैं और जिन तैयारियों में जिस तरह से बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया और जो जिम्मेदारी संभाली, हमारे साथ में भारतीय राजदूत हैं संतोष झासी, उनसे बात कर लेते हैं। झा सर, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तैयारी यहाँ की गई है, बेहद बड़े स्तर पर यह तैयारी की गई है। बहुत बहुत अच्छी तैयारी की गई है और ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये भारत और श्रीलंका को आपस में जो उनका एक समझबूझ है, एक साथ है, उसको बढ़ाने में बहुत काम आएगा। सर, जिस तरह से उत्साह दिखाई दिया श्रीलंका गवर्नमेंट का भी पूरी तरह से सहयोग मिला है इसमें, लोगों का जो सहयोग दिखाई दे रहा है वो एक अलग ही पहचान बनाता हुआ गीता को लेकर दिखाई दे रहा है। ये अभी जो हम देख रहे हैं, ये तो श्रीलंका में उनका जो उनके प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं, उनके 3-4 मंत्री हैं हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए, तो उनकी तरफ से पूरा सहयोग है, पूरा सपोर्ट है। और गीता जो है ये तो एक पुरानी ग्रंथ है हमारी, वो सिविलाइजेशनल है, सभ्यता से रिलेटेड है और वो भारत की सभ्यता और श्रीलंका की सभ्यता तो एक जैसी है, हम सब सिविलाइजेशनल ट्विन्स हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे गीता को लेकर बहुत उत्सुकता है और यहाँ पे लोग उसके बहुत अनुयायी भी हैं कई लोग। यानी कि गीता विश्व को जोड़ने के लिए सेतु के पुल का काम कर रही है। सेतु तो हमारे बीच में बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है और उस सेतु को मजबूत करने का ये काम हो रहा है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं संतोष झा है, भारतीय राजदूत श्रीलंका में, कि सेतु का काम सेतु पहले से ही है और उसे जोड़ने का काम गीता कर रही है और श्रीलंका और भारत के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं और वो मधुर हो रहे हैं और इसके बीच है एक गीता को अभी हाथ बताया जा रहा है कि भगवत गीता को लेकर जिस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध है वो किस स्तर के हैं। कोलंबो से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।